देखते हैं हम लोग कितना आप लोग पढ़ के आए। इसका क्या नाम है, 60 डिग्री नॉर्थ में जो है सब पोलर हाई प्रेशर की लो प्रेशर। इस प्रेशर बेल्ट का क्या नाम है, हाई प्रेशर की लो प्रेशर, हाई प्रेशर की लो प्रेशर सर, लो प्रेशर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 30 डिग्री में जो प्रेशर बेल्ट है उसको क्या बोलते हैं, आप लोग बोलेंगे इसको सब पोलर लो प्रेशर। ऐसा है क्या, क्या बोलते हैं इसको, जल्दी से बताइए क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका सर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। एंड सिमिलरली ओके सर, पोल पे, पोल पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग सर, पोलर हाई प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर। ठीक है, चलो आप लोग मुझे बताएंगे कि फेरल मॉडल में, फेरल का मॉडल में, फेरल का मॉडल में हेडलेस सेल जो था उसका कोऑर्डिनेट क्या क्या है, हेडलेस सेल का कोऑर्डिनेट क्या क्या है, मतलब कितना डिग्री से कितना डिग्री तक है हेडलेस सेल, हेडलेस सेल, हेडलेस सेल सर याद आना चाहिए, 0 से 30 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट वाला जो सेल था उसी को हेडलेस सेल बोलते थे। अगर मैं आपसे पूछूं पोलर सेल, पोलर सेल, पोलर सेल का क्या कोऑर्डिनेट्स था, पोलर सेल का, ठीक है 60 to 90 दिखेगा आपको। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा कोऑर्डिनेट था जहां पे लो प्रेशर जो क्रिएट हो रहा था वो डायनामिक्स, डायनामिकली क्रिएट हो रहा था, ठीक है थर्मली क्रिएट नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था सर, 60 डिग्री बोथ इन नॉर्थ एंड साउथ, बोथ जगह, ठीक है बोथ नॉर्दर्न, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिखेगा। अच्छा आप लोग मुझे बताएंगे कौन कौन सा कोऑर्डिनेट था जहां पे हमने देखा कि डेजर्ट फॉर्मेशन होगा, डेजर्ट फॉर्मेशन इजिली हो सकता है, कौन सा ऐसा पढ़ा था हमने सर, 30 डिग्री क्यों हो रहा था, क्यों डेजर्ट फॉर्मेशन हो रहा था, कंडीशन अच्छा है डेजर्ट फॉर्मेशन का, क्यों क्या रीजन था, यहाँ पर डेजर्ट फॉर्मेशन हो सकता है ऐसा क्या रीजन था, सच्ची में सर रीजन है हाई प्रेशर एरिया, लैक ऑफ एयर इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन, नॉट एट ऑल, यू शुड से इट्स अ रीजन ऑफ, इट्स अ जोन ऑफ हाई प्रेशर एरिया, इट्स अ हाई प्रेशर एरिया दैट्स व्हाई द एयर सिंक देयर, एयर सिंक देयर, वहां पे एयर सिंक करता है, अपलिफ्ट नहीं होता है, और सर जब अपलिफ्ट एयर नहीं होगा देन देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, एंड इफ देयर इज नो क्लाउड देन हाउ रेनफॉल कैसे होगा, नहीं होगा रेनफॉल, रेनफॉल नहीं होगा, और अगर रेनफॉल नहीं होगा तो सर वो जगह सर्वाइव करेगा क्या, वो जगह एग्जिस्ट कर पाएगा क्या, अच्छे से नहीं कर पाएगा, दैट्स व्हाई मरुस्थल बन जाएगा सर, डेजर्ट बन जाएगा। चलो आप लोग मुझे बताएंगे कि फेरल मॉडल जो था इसमें, फेरल मॉडल जो है, फेरल मॉडल जो है, फेरल्स मॉडल जो है ये यूनिसेलुलर है कि ट्राई सेलुलर है, यूनिसेलुलर है कि ट्राई सेलुलर है, मैं यूनिसेलुलर लगा दूंगा वेरी गुड। और उसके बाद कोई ट्राई लिखा नहीं, जीवन में अपने गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखें आप लोग, प्लीज प्लीज सीखें एक्सेप्ट करना। सर ट्राई सेलुलर तीन से तीन चीज, ठीक है हमको लगा हेडले वाला, इतना विरोधाभास है कि मुझे अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा, जिस ये कान मेरे साथ 20-25 साल से है वो मेरे को सही आवाज नहीं पहुंचा रहा, ऐसा है क्या, ध्यान का कमी, बस ध्यान का कमी और कुछ नहीं। ट्राई सेलुलर तीन सेल बन रहा था, ठीक है तीन सेल बन रहा था, कौन कौन सा सेल बन रहा था कोई मुझे बताएगा फेरल मॉडल में, जल्दी से कौन कौन सा सेल बन रहा था फेरल्स मॉडल में, हाँ भूल गया क्या सर, पहला तो हेडले,
हेडलेस सेल, दूसरा सर फेरल सेल, और तीसरा सर पोलर सेल, तीन सेल बन रहा था। चलो आप लोग मुझे बताएंगे कोरियोलिस फोर्स जो है ये, कोरियोलिस फोर्स जो है ये किस टाइप का फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स क्या है, किस टाइप का फोर्स है? ये ऑप्शन ए, ये फोर्स जो है वो गति बढ़ाता है, स्पीड को इंक्रीज करता है। ऑप्शन बी, ये जो फोर्स है ये किसी भी चलते हुए चीज का स्पीड को घटा देता है। ऑप्शन सी, ये उसके पाथ को डिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए ये डिफ्लेक्टिव फोर्स है। इसके अलावा ऑप्शन डी, मैंने कल ज्यादा खाना खा लिया था इसीलिए रिवाइज नहीं कर पाया। डिफ्लेक्टिव फोर्स है, ठीक है, ये डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन जाते हैं उस डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देता है। चलिए, कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज लगता है कि एंटी क्लॉकवाइज लगता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज लगता है कि एंटी क्लॉकवाइज लगता है? क्लॉकवाइज लगता है कि एंटी क्लॉकवाइज लगता है? क्लॉकवाइज। सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। आई होप आप लोग को याद होगा, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। चलो अगर मैं पूछूं विंड जो है ये पैरेलल होता है आपका प्रेशर बेल्ट का, ट्रू या फॉल्स? विंड जो है ये प्रेशर बेल्ट का पैरेलल होता है। इमेजिन कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रेशर बेल्ट का पैरेलल बोल रहा है, प्रेशर बेल्ट का पूछ रहा है। सर प्रेशर बेल्ट है उसके पैरेलल कैसे मूव करेगा, उसके तो परपेंड, देखिए ट्रू मैंने बोला ना, नहीं सोच पा रहे होंगे सर, आंसर ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सर प्रेशर बेल्ट के हमेशा विंड जो है वो परपेंडिकुलर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक ग्रेडियंट चाहिए, प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए। जब प्रेशर ग्रेडियंट मिलेगा तब वो उसको मूव कर पाएगा। अगर सेम प्रेशर बेल्ट में हवा फ्लो करने का बात कहें तो वहां पे हवा तो फ्लो ही नहीं होगा सर, तो ये पैरेलल कैसे हो पाएगा? दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। असली क्या है, सही माल क्या है? 24 कैरेट सर, विंड इज परपेंडिकुलर टू प्रेशर बेल्ट या फिर आइसोबार, ठीक है। अगर मैं पूछूं विंड जो है ये परपेंडिकुलर होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का, ट्रू या फॉल्स? विंड जो है ये परपेंडिकुलर होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का, फिर से ट्रू लगा रहे हैं, गलत है सर, झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है, फॉल्स है, ठीक है। हमेशा याद रखना, कल मैं समझा चुका हूं, प्लीज कृपया करके रिकॉर्डिंग का सहारा लें आप लोग, ठीक है, पैरेलल होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे का डिस्कशन लेके चलेंगे, हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं आज वो आप लोग देखेंगे। ये हमारा पृथ्वी इतना टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, पर मेरे जीवन की तरह ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ठीक है, माफ कीजिएगा मुझे उसके लिए। मैं लाइनें खींच देता हूँ यार पहले। चलिए सर, इस प्रेशर बेल्ट का क्या नाम है? इसका प्रेशर बेल्ट का नाम है इक्विटोरियल लो प्रेशर। सर इस प्रेशर बेल्ट का क्या नाम है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। सर इस बेल्ट का क्या नाम है? सर सब पोलर लो प्रेशर। और इसका क्या नाम है? आप बोल दीजिए पोलर हाई प्रेशर। सिमिलरली यहाँ पे भी सर 30 degree south सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। मैं सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ?
हाँ जी सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं? ठीक है, ये पूरा सिस्टम हमने कल पढ़ा था, इसमें किसी को डाउट होगा प्लीज आप लोग प्रीवियस वीडियो देखें, ठीक है, थोड़ा आनंद लें प्रीवियस वीडियो का। अब सर हम लोग देखेंगे कि दुनिया में हवाएं बहती कैसे हैं। इस दुनिया में बहुत सारा हवा है सर जो बहते रहता है, क्यों बहता है? अच्छा, ये हाई प्रेशर का एरिया है, ये लो प्रेशर का एरिया है, सब समझते हैं। विंड ऐसे बहेगा कि नहीं बहेगा, बोलिए इस डायरेक्शन में विंड बहेगा कि नहीं बहेगा? बिकॉज सर विंड जो है वो हाई टू लो बहता है, हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ विंड बहना चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड को बहना चाहिए। तो सर हमेशा याद रखिएगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्विटोरियल लो प्रेशर की तरफ हमेशा विंड ऐसे बहता है, ऐसे बहता है, ऐसे बहता है, ऐसे बहता है। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा दिखता है सर कि परपेंडिकुलर हवा बह रहा है वहां से? नहीं दिखता है, क्यों? ड्यू टू दी कोरियोलिस फोर्स, ड्यू टू दी कोरियोलिस फोर्स। मैंने कल ही बताया था कि जो अर्थ रोटेट हो रहा है, घूर्णन कर रहा है, उसके लिए उससे उसके वजह से एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, एक फोर्स जनरेट हो रहा है पूरे पृथ्वी में, जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। वो कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन के पाथ को डिफ्लेक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि अगर आप नदन हेमिस्फेयर में है और अगर आप जाना चाहते हैं इस डायरेक्शन में, तो वो आपके पाथ को राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देगा, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट कर, मतलब आपको जाना इधर था, आप डिफ्लेक्ट करके कैसे चल जाएंगे, ऐसे चल जाएंगे। सर आइडियली जो हवा है उसको ऐसा आना था, आइडियली हवा ऐसे सीधा आना था, लेकिन सर कोरियोलिस फोर्स भी तो लगेगा, तो क्या होगा कोरियोलिस फोर्स? कोरियोलिस फोर्स इस हवा को डिफ्लेक्ट कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा, इधर करेगा राइट की लेफ्ट, जल्दी से नदन हेमिस्फेयर में हम लोग क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज कहां करेगा सर? राइट की तरफ, राइट की तरफ। आप देख रहे हवा ऐसा आना था लेकिन हवा ऐसे आ गया, मतलब सर हवा को आना ऐसा था, हवा को आना ऐसा था, हवा को ओरिजिनल ऐसे आना था, हवा को ओरिजिनली ऐसे आना था, हवा को ओरिजिनली ऐसे आना था, पर वो राइट की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। बोलिए समझ में आया? क्या बहुत जोर डालना पड़ रहा है इसको समझने में? हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। हवा डिफ्लेक्ट कर गया सर। अच्छा आप देख रहे हैं हवा कैसे चल रहा होगा, ऐसा चल रहा होगा, देखिए हवा ऐसा चल रहा होगा, ये तो एकदम श्योर है कि सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवा चल रहा है, बस उसका पार्ट डिफ्लेक्ट कर गया। अच्छा अब आप एक चीज ऑब्जर्व करें, ये हवा कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, दिख रहा है सर? ये कौन सा साइड है, कौन सा साइड है पूरे पृथ्वी का? ईस्ट, मतलब ये जो हवाएं हैं ये किधर से आती हुई दिखेंगी आपको, देख रहे हैं ईस्ट की तरफ से आते हुए दिखेंगी, ईस्ट की तरफ से आते हुए दिख रही है, पूर्व की तरफ से आते हुए दिख रही है, इसीलिए ऐसे पवनों को क्या बोलते हैं हम लोग? ईस्टर्ली विंड्स। क्या बोलते हैं? ईस्टर्ली विंड्स, पूर्वी पवने, पूर्व की तरफ से। हमेशा याद रखिएगा जिधर से हवा बहेगी उस डायरेक्शन के नाम से उस हवा को हम लोग पहचानेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई हवा नॉर्थ से बह रही है, लेट इट बी कि कोई हवा नॉर्थ से बह रही है, तो उसको क्या नाम दे देंगे सर? नदन विंड्स। कोई हवा एकदम साउथ से बह रही है तो उसको क्या नाम दे देंगे? सदन विंड्स। कोई हवा ईस्ट से बह रहा है तो उस हवा को क्या नाम दे दिए हम लोग? ईस्टर्ली विंड्स। वैसे ही देखेंगे कोई हवा अगर वेस्ट से बहती है उस विंड को क्या बोल देंगे? वेस्टर्ली विंड। सबको समझ में आ रहा है? मतलब जिस डायरेक्शन से हवा आ रहा है वैसे उसी डायरेक्शन के बेसिस में उस हवा का नाम भी हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? इधर मतलब अगर आपसे पूछा जाए ईस्टर्ली विंड्स सर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया से
इक्विटोरियल लो प्रेशर के एरिया के बीच में फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत? जल्दी से समझ में आया सबको? एक कंफर्मेशन चाहिए, आगे बढ़ूंगा मैं। सर ध्यान से देखिएगा, सर ये भी तो हाई प्रेशर एरिया है, दिस इज ऑल्सो हाई प्रेशर बेल्ट, ये वाला 30 डिग्री साउथ, ये भी तो सर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, ठीक है। यहां पे सर हवा कैसे मूव करना चाहता था? ऐसे मूव करना चाहता था, हवा जो है वो ऐसे मूव करना चाहता था। बोलिए गलत बोल रहा हूं क्या मैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा मूव करना चाहता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना चाहता है, लेकिन क्या ऐसे आइडियली मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? आइडियली उस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा? हवा के पाथ को डिफ्लेक्ट कर देगा। और मुझे आप लोग बताएंगे कि सदर्न हेमिस्फीयर में हवा जो है, पवन जो है, विंड जो है, वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है कि राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट करती है या फिर क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट करती है? सर लेफ्ट की तरफ। तो देखिए सर इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर, 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 मतलब यहां से जो भी हवा आना चाह रहा है वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा आप देख रहे हैं ये हवा भी आपको कहां से आते हुए दिख रहा है? सर ईस्ट से आते हुए दिख रहा है, देखिए ईस्ट वाला मार्जिन से आते हुए दिख रहा है। दिख रहा है सभी को? बोलो भैया दिख रहा है सभी को? इसीलिए इस विंड को भी क्या बोलेंगे हम लोग? ईस्टर्ली विंड। मतलब सर ईस्टर्ली विंड, ईस्टर्ली विंड का अगर कोई कोऑर्डिनेट मुझे पूछे कि ईस्टर्ली विंड पूरे दुनिया में किस से किस कोऑर्डिनेट के बीच में बहती है, तो सर 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में ईस्टर्ली विंड्स बहती है, पूर्वी पवने बहती हैं। अच्छा अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया ये बताओ मुझे कि ईस्टर्ली विंड मर्ज कहां करती है, एक दूसरे के साथ मिलती कहां पे है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? सर 90 डिग्री नॉर्थ में मिलती है। ऐसा है क्या? नहीं सर, देखिए इक्वेटर पे, इक्वेटर पे ये वाला ईस्टर्ली और ये वाला ईस्टर्ली मिल जा रहा है, तो आपको आंसर देना है इक्वेटर। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, तो हम लोग आंसर पता है क्या देंगे कि ईस्टर्ली विंड मर्ज कहां कर रही है? सर ईस्टर्ली विंड मर्ज कर रही है इक्विटोरियल लो प्रेशर वाले बेल्ट के पास। सेम बात है, यू नो ये कान पकड़ो वो कान पकड़ो, सेम बात है, कान तो मेरा ही है ना। समझ में आया सर? यहां तक सबको क्लियर है? ईस्टर्ली विंड का मामा घर से इसको एक अलग नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है? ट्रेड विंड। मतलब ट्रेड विंड का मतलब ही होता है ईस्टर्ली विंड। ईस्टर्ली विंड मतलब ट्रेड विंड, ट्रेड विंड का मतलब ईस्टर्ली विंड। मतलब ईस्टर्ली विंड बोल लीजिए, ट्रेड विंड बोल लीजिए, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। ईस्टर्ली विंड जो है इसका नाम उसके दादा ने दिया था, और वेस्टर्नली विंड, ट्रेड विंड जो है इसके नाना ने वो नाम दिया था, ठीक है। मतलब अगर आपसे पूछे कि सर ट्रेड विंड जो है, ट्रेड विंड्स जो है ये किस कोऑर्डिनेट से किस कोऑर्डिनेट के बीच में बहती है, सर 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में बहती है। अगर आपसे पूछ दे कि सर ट्रेड विंड एक दूसरे के साथ मर्ज कब किस कोऑर्डिनेट पे करता है, सर 0 डिग्री पे करता है। ईस्टर्ली विंड्स का ही दूसरा नाम क्या है सर? ट्रेड विंड्स। अगर आपसे, ट्रेड विंड को हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, ठीक है, व्यापारिक पवने। समझ में आया सभी को यहां तक? सबको ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर यहां तक सभी को? आगे बढ़ू मैं? चलो आगे बढ़ता हूं। अब बात है यहां वाले हाई प्रेशर का, देखो ना ध्यान से, हाई प्रेशर, ठीक है सर। यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, हवा क्या ऐसा बहना नहीं चाहेगा? हाँ जी बोलो मेरे भाई, बहना चाहेगा कि नहीं बहना चाहेगा? बहना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है सर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा बहना चाहता है, ठीक है। अब सर डायरेक्शन तो ऐसा होना चाहिए था आइडियली, पर क्या आइडियल ये डायरेक्शन दिखेगा? नहीं दिखेगा। जो जिस पाथ में हवा बहना चाहता था, पवन बहना चाहता था, जिस पाथ में विंड बहना चाहता था, उस पाथ से विंड डिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्यों?
due to the presence of Coriolis force. Now, you will tell me, we are in the northern hemisphere. The Coriolis force will act here. The Coriolis force will deflect the direction toward right side or left side? The right side. ठीक है? सर जाना हम इधर चाह रहे थे, लेकिन Coriolis force के कारण हम इधर deflect हो गए. Coriolis force के कारण हम इधर deflect हो गए. Coriolis force के कारण हम इधर deflect हो गए. Coriolis force के कारण हम इधर deflect हो गए. Coriolis force के कारण हम इधर deflect हो गए. Coriolis force के कारण हम इधर deflect हो गए. Coriolis force के कारण हम इधर deflect. अरे सर आप गलती कर दिए, इसको green से क्यों किए, इसको blue से क्यों किए? आप देखिए ये जो wind है आपको किधर से आती हुई दिख रही है? सर west direction से आती हुई दिखेंगे. दिख रहा है आप लोग को? देखिए ये है west, east margin, west, north, south. याद है फर्स्ट क्लास सबको, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है. सर ये पवने आपको कहां से आती हुई दिख रही हैं? वेस्ट से. सर ये वेस्ट से आते हुए दिख रही हैं, क्या आप लोग बता पाएंगे इस इन विंड्स का नाम क्या हो सकता है? बहुत कठिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम. वेस्टर्ली विंड्स. मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले ही कि नाम डिसाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन से पवने बह रही हैं. ये सर वेस्ट साइड से आ रही है, इसीलिए इसका नाम क्या रहेगा? वेस्टर्ली. वेस्टर्ली का स्पेलिंग गलत लिखा है अपने वेद साहब. वेस्टर्ली विंड्स. ठीक है, वेस्टर्ली विंड्स. समझ में आया? हाँ जी समझ में आया. वेस्टर्ली कहाँ बहेंगी, किस कोऑर्डिनेट से किस कोऑर्डिनेट के बीच में वेस्टर्ली बहेंगी? सुनिएगा आगे. सर बच क्या बताइए ना, यहाँ पे भी तो लो प्रेशर है. अरे यार दिमाग खराब कर रहा है यार, कितना लो प्रेशर हाई प्रेशर है. हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहने का कोशिश करेंगी, कोई नया बात तो नहीं है जीवन में. हवा ऐसा बहने का कोशिश करेगा, हवा ऐसा बहने की कोशिश करेगा, हवा ऐसे सीधा बहने की कोशिश करेगा. नाउ यू गाइस विल टेल मी दैट वी आर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, द कोरियोलिस फोर्स इज प्रेजेंट हियर. ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स द डायरेक्शन विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट. सर ये तो बैठ गया, जीवन भर नहीं भूलेंगे. लेफ्ट. ठीक है सर, लेफ्ट को डिफ्लेक्ट करेंगे तो कैसा होगा? ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा. मतलब हवाएं ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, 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 हवाएं ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगी. मतलब हवा ऐसे आ रहा है, हवा ऐसे बहेगा, पवन ऐसे बहेगा, पवन ऐसे बहेगा. किधर से आते हुए दिख रहा है ये आपको? ईस्ट से कि वेस्ट से? किधर से आते हुए दिख रहा है? सर वेस्ट से दिख रहा है. दैट्स व्हाई यहां पे भी क्या बहेगा? वेस्टर्ली विंड. बोलिए देवी और संजनो, समझ में आया ये बात? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वेस्टर्ली विंड बहने का कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक है, सर 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ, उसके अलावा 30 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ. समझ में आया सभी को? बोलिए 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ. ठीक है अगर, और कितना मतलब कितना खराब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो जीवन में किसी से बनेगा ही नहीं, कि वेस्टर्ली विंड्स जो है ये ईस्ट डायरेक्शन से फ्लो करता है. True या false? Westerly winds जो है ये इस direction से फॉल. मतलब जीवन में ये question जो गलत कर दिया ना, मतलब गरुड़ पुराण में आपके लिए अलग सजा लिखा हुआ होना चाहिए सर. ठीक है समझ में आया सभी को? अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेड विंड्स किस कोऑर्डिनेट से किस कोऑर्डिनेट के बीच में बहती है, क्या होगा आंसर आप लोग का? क्या होगा आपका आंसर? ट्रेड विंड्स किस कोऑर्डिनेट से किस कोऑर्डिनेट के बीच में बहती है? ठीक है ठीक है. चलो सर, अरे यार दिमाग खराब कर दिया है एकदम. सर यहाँ पे भी तो हाई प्रेशर है. उफ मारो. हाँ यहाँ पे भी हाई प्रेशर है, हवा इधर बहने की कोशिश कर रहा है, हवा इधर बहने का कोशिश कर रहा है.
हवा इधर बहने का कोशिश कर रहा है, हवा इधर बहने का कोशिश कर रहा है, तो क्या हुआ सर? हम लोग क्या ऐसे बह पाएगा हवा? कैसे सर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवा बहना चाहिए, हवा बहना ऐसे ऐसे चाह रहा है, लेकिन हवा ऐसे नहीं बह पाएगा, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। सर कोरियोलिस फोर्स के कारण, कोरियोलिस फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन राइट की लेफ्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सर राइट की तरफ, राइट की तरफ, सर राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा सर, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा सर, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये विंड आपको कहां से आते हुए दिख रहा है? ईस्ट से कि वेस्ट से? सर ईस्ट, ईस्ट से दिख रहा है। मतलब सर इसका भी नाम क्या होगा? ईस्टर्ली विंड, ईस्टर्ली विंड। सर इतना जगह का है छोड़ दिया यहाँ पे, क्योंकि ये वाला ईस्टर्ली विंड और ये वाला ईस्टर्ली विंड में एक वर्ड का फर्क है। इस वाले ईस्टर्ली विंड को हम लोग बोलते हैं पोलर ईस्टर्ली विंड। क्यों बोलते हैं पोलर ईस्टर्ली विंड? सर पोल से बह रहा है, पोल से बह रहा है, पोल से बह रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पोलर ईस्टर्ली विंड। इसी मैच आप लोगों से एग्जाम में पूछ दे कि पोलर ईस्टर्ली विंड का कोऑर्डिनेट कहां से कहां हो सकता है, क्या होगा आप लोग का आंसर, क्या होगा आप लोग का आंसर? सर नो ब्रो, 60 डिग्री ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं लिखेंगे ना हम लोग। हवा 90 डिग्री से बह रहा है ना, तो आप 90 डिग्री, ये देखिए 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ, कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस है इस बात का? वो आप लोग देखे ना अविनव बस्सी का, वो बोलता है ना, कोई सेंस है इस बात का कि सर 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ में हवा बह रहा है? कोई सेंस है इस बात का? मतलब कुछ भी, वो मीम है ना, कुछ भी, कुछ भी। सर 90 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ पोलर ईस्टर्ली विंड्स बहेगा, ठीक है सर। अरे यार यहाँ पे भी तो हाई प्रेशर है, बिल्कुल है, हवा बहना किधर चाहेगा? इधर बहना चाहेगा, इधर बहना चाहेगा, इधर बहना चाहेगा, इधर बहना चाहेगा, बिल्कुल बहना चाहेगा। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स द पाथ ऑफ द विंड विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट। मतलब ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आपको ईस्ट से आते हुए दिख रहा है कि वेस्ट से? सर ईस्ट से। दैट्स व्हाई यहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा? ईस्टर्ली विंड, बट द ईस्टर्ली विंड्स आर कमिंग फ्रॉम द पोल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पोलर ईस्टर्ली विंड। मतलब एग्जाम में आपको दो कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, ऐसा है क्या? नो, आप लोग सिंपल लिख सकते हैं कि 90 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में आ रहा है। अब वो नॉर्थ साउथ लगा ले, मतलब आप लिख सकते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में, साउथ हेमिस्फेयर में, दोनों में जगह ऐसे सेम दिख रहा है हमको। या फिर और स्पेसिफिकली लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि 90 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ की तरफ पोलर ईस्टर्ली पाया जाता है, माफ कीजिएगा, 90 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ पोलर ईस्टर्ली पाया जाता है, और नीचे में लिख सकते हैं कि 90 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ की तरफ पोलर ईस्टर्ली बहता है, ठीक है? बोलियो, ये पूरा समझ में आया? ये पूरा कीचड़ बिचड़ को मैं नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से कर दूंगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? मतलब अगर मुझे समरी लिखना है तो मैं कैसे लिखूं? एक बनाएंगे आप लोग ऐसे सर्कल, वहां पे एक बीच में लाइन खींचेंगे हेज्जा, हेज्जा को लाइन खींचेंगे ऐसे, उसके बाद हेज्जा को लाइन खींचेंगे, हेज्जा खींचेंगे, हेज्जा खींचेंगे, और यहाँ पे, ठीक है हम लोग ने पढ़ा कि विंड यहाँ पे आपका 0, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। गजब नहीं लिख लेता यार हम माउस से, हैबिट टाइप से लिख लेते हैं। तो
ये है आपका लो प्रेशर, ये है आपका हाई प्रेशर, ये है आपका हाई प्रेशर, ये है आपका लो प्रेशर, ये है आपका हाई प्रेशर, ये है आपका लो प्रेशर और ये है आपका हाई प्रेशर। सर हाई प्रेशर के कारण हवा इधर से इधर बहने का कोशिश कर रही थी, परंतु ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ईस्टर्ली, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा अपने राइट की तरफ, अपने राइट की तरफ, मतलब हवा बहते हुए किधर दिखेंगी आपको, ऐसे दिखेंगी, हवा बहते हुए ऐसे दिखेंगी, ऐसे दिखेंगी। सिमिलरली ये हवा जो था ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे फ्लो करने का कोशिश कर रहा था तेजा बन के, परंतु नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इसको अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। सर ये सब कहां से आते हुए दिख रहा है आपको, किस डायरेक्शन से? इस डायरेक्शन से। इसीलिए इस सब को क्या बोलते हैं हम लोग, ईस्टर्ली विंड या फिर ट्रेड विंड। अब आपको इसका कोऑर्डिनेट पूछेगा तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ। अगर आपसे पूछेगा कि ईस्टर्ली विंड मर्ज कहां पे कर रहा है, सर कहां पे कर रहा है मर्ज, सर 0 डिग्री कोऑर्डिनेट पे कर रहा है, या फिर पूछा जा सकता है कौन सा प्रेशर बेल्ट है, तो सर इक्विटोरियल लो प्रेशर, इक्विटोरियल लो प्रेशर। आगे देखेंगे और भी हम लोग इसी को कुछ और भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है आगे देखेंगे, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद सर यहाँ वाला को देखते हैं हम लोग कि हेजा वाला को का प्रॉब्लम था। हेजा वाला बोल रहा था कि ये है हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर, हेजा से भी ऐसे फ्लो करने का कोशिश कर रहा था विंड, पर ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि जो कोरियोलिस फोर्स है इसको डिफ्लेक्ट कर दिया राइट की तरफ, तो कोरियोलिस फोर्स इसको राइट की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया, इसके कारण क्या हो गया, विंड ऐसे फ्लो करने लगा, ऐसे फ्लो करने लगा, ऐसे फ्लो करने लगा, ऐसे फ्लो करने लगा। सर ये किधर से आते हुए दिख रहा है आपको, वेस्ट से। सिमिलरली सर हेजा भी हाई प्रेशर है और हेजा लो प्रेशर है, मतलब हवा ऐसे बहने का कोशिश कर रहा था, लेकिन हम लोग क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में है, हम लोग सदर्न हेमिस्फेयर में है, तो कोरियोलिस फोर्स के कारण ये किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट की लेफ्ट, सर लेफ्ट, सर लेफ्ट की तरफ, इसका राइट है ये, इसका लेफ्ट है ये इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, 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 ठीक है। मतलब सर ये किधर से आते हुए दिख रहा है आपको, वेस्ट से आते हुए दिख रहा है, दैट इज वाई ये वाला और हाई वाला ये दोनों क्या है, वेस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स। अगर कोऑर्डिनेट पूछे एग्जाम में कि वेस्टर्ली विंड्स का कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, सर 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ एंड 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, ठीक है समझ में आ रहा है होगा आई होप सभी को। उसके बाद सर हेजा वाला का विंडो इधर भी हाई प्रेशर है, इधर भी लो प्रेशर है, हवा ऐसे बहने का कोशिश कर रहा था, हवा ऐसे बहने की कोशिश कर रहा था, बट बिकॉज वी आर इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स दी पाथ विल द पाथ द पाथ ऑफ द विंड विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इट्स राइट। सर राइट ऐसे का, इसको हम दूसरा कलर से करते हैं, तो हम वाइट से करेंगे, यस सर इट विल गेट डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, सो इट इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट। सिमिलरली सर यहाँ पे भी देखिए ना, ये हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे जाने की कोशिश कर रहा था, ऐसे जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हम लोग कहाँ पे हैं, सदर्न हेमिस्फेयर में है, तो कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है, मतलब ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सर ये भी ईस्ट की तरफ आते हुए दिख रहा, ईस्ट की तरफ से आते हुए दिख रहा होगा आपको, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईस्टर्ली विंड, और क्योंकि ये पोल से आ रहा है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर ईस्टर्ली विंड, पोलर ईस्टर्ली विंड। सर पोलर ईस्टर्ली विंड का अगर मुझसे कभी लीवन में पूछ लिया कि कोऑर्डिनेट क्या है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ
60 डिग्री नॉर्थ, माफ कीजिएगा 90 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ। यू नो, बोलो भैया समझ में आया? जीवन में ये चीज बहुत हार्ड लगता है सबको, और सच में हार्ड है। आप लोगों को एक होमवर्क है कि आप लोग कॉपी बंद करके इसको 5 बार बनाएं। स्ट्रिक्टली ये चीज बोल रहा हूँ, 5 बार बनाएं, क्योंकि आज से 1 सप्ताह बाद खोलिएगा ना, ये हवाओं से डर लगने लगेगा, लेकिन अभी नहीं लग रहा होगा। बोलिए समझ में आया सभी को? सभी को ये बातें समझ में आ गया या नहीं? ये बहुत टाइम है, ठीक है आगे बढ़ू। चलो आगे बढ़ते। सर एग्जाम में पूछना पता है ईस्टर्ली विंड का डायरेक्शन क्या है? अरे यार ये तो बताए नहीं आप, इसलिए तो बताने जा रहे हैं। अच्छा जीवन में आप लोगों का एक क्वेश्चन आना चाहिए कि किसने बोला, आप लोगों ने पूछा नहीं कल कि किसने बोला कि कोरियोलिस फोर्स जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज लगेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। तो सर फेरल का ही ये सिद्धांत का एक हिस्सा था, ठीक है? फेरल नहीं, ये सिद्धांत में बोला था आपने, ठीक है? चलिए ईस्टर्ली विंड का डायरेक्शन क्या है, ठीक है? ईस्टर्ली विंड डायरेक्शन क्या, इसका डायरेक्शन क्या है? मतलब सर इससे तो बहता है, यही डायरेक्शन है क्या? सर हमको मास्टर जब पढ़ाया था तब तो बोला था कि इससे बहता है। बुड़बक बनाया मास्टर तुमको, उसका डायरेक्शन भी होता होगा, क्या होता है नहीं पता, हम लोग देखते हैं। जीवन में याद रखें मैंने आपको क्या बताया कि ये इस तरफ से आ रहा है, लेकिन इन सब का एक डायरेक्शन भी है, पर्टिकुलर डायरेक्शन भी। वो डायरेक्शन क्या है वो एग्जाम में पूछता है, तो देखते हैं हम लोग, ठीक है? चलो अच्छा, स्टर्ली विंड हम लोग को सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है क्या? उत्तरी गोलार्ध में मिलता है क्या स्टर्ली विंड? ठीक है, हम लोग को दोनों का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, सदर्न में नॉर्दर्न में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए ये है, और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए हाई वाला है, ठीक है? ठीक है, अब देखिएगा। अच्छा अगर मैं बोलूं कि जो ईस्टर्ली विंड है यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो ऐसे बह रही हैं, ऐसे, तो अगर मैं बोल सकता हूँ कि ईस्टर्ली विंड्स ऐसे बह रही हैं। हाँ जी भाई साहब, बोल सकता हूँ ऐसे बह रही है, देखिए ना ये ऐसे बह रही है, ये ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ऐसे ऐसे। सर हम लोग जीवन में हमेशा पढ़े हैं कि ऊपर में क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, ईस्ट के ईस्ट किधर है सर, राइट साइड में, वेस्ट किधर है उसके अपोजिट। सर इसका डायरेक्शन कोई मुझे बता पाएगा? सर ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो अगर कोई पूछे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में ईस्टर्ली विंड का डायरेक्शन क्या है, तो सर नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। सबको समझ में आया ये चीज या नहीं आया? सबको समझ में आया ये चीज कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या डायरेक्शन? अच्छा क्या मैं यहां पे लिख सकता था कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है? क्या मैं लिख सकता था ये चीज, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है, ऐसा मैं लिख सकता था? बोलिए ऐसा मैं लिख सकता था?
एक जन का आंसर आया, दूसरा बाकी लोग। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या मैं ऐसा लिख सकता था कि जो ईस्टर्ली विंड्स है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बह रहा है? जिन्होंने भी हाँ बोला है ना, वो थोड़ा समझे इस चीज को कि क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है। ऐसे बहने को बोल रहा हूं मैं कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ हवा बह रहा है। सर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट मतलब ऐसा दिखेगा कुछ, क्या ट्रेड विंड्स ऐसे बहता है, क्या ईस्टर्ली विंड्स ऐसे बहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? नहीं सर, झूठ वाला बात है। देखिए ना, ऐसे बह रहा है, ऊपर से बह रहा है। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन आप चेंज कर दिए, इधर से नहीं बह रहा है सर, इधर से बहता है। आप समझिए, ये गलत है आंसर, ये उत्तर गलत है। क्योंकि सर जो ईस्टर्ली विंड्स है वो ऐसे बहती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। समझ में आया सभी को? ये गलती मत करके आइएगा एग्जाम में, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा, एक मिनट लगेगा सर, जस्ट ड्रॉ इट। अगर आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बस एक मिनट लगेगा, जस्ट ड्रॉ इट। रटने का तो जरूरत, जो रट के जाएगा पक्का गलत करके आएगा ये क्वेश्चन, पक्का लिख के 102,000%। चलिए सर, सदर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्ली विंड्स का क्या डायरेक्शन है? दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। अगर आप देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में, इमेजिन कीजिए सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा दिख रहा था सर, ऐसा दिख रहा था क्या? सर सबसे बड़ा झूठ चीज आप यहीं पे लिख दिए, ऐसा कैसे दिखेगा? अगर ऐसा दिखना है तो उसको तो वेस्टर्ली विंड्स बनना पड़ेगा ना। देखिए वेस्ट की तरफ से आप डायरेक्शन दिखा रहे हैं, वेस्ट की तरफ से डायरेक्शन दिखा रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन तो वहीं पे गलत हो गया। मतलब एग्जाम में कभी आपको ऐसे ग्राफ उराफ भी दे दे तो घबराइएगा मत, ईस्टर्ली विंड्स के बारे में आप पूछ रहे हैं हमसे और वेस्ट से स्टार्ट करवा रहे पवन को, गलत बात है ना यार। हाँ गलत बात है, मतलब सर विंड का वहां पे डायरेक्शन कैसा होगा? देखिए ऐसा होगा, देखिए हवाएं ऐसे बह रही हैं। बोलो समझ में आया? हाँ जी समझ में आया। मतलब सर यहाँ ये, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट और इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। मतलब सर ईस्टर्ली विंड सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहता है। समझ आया सभी को? साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहता है, सबको समझ में आया? अच्छा क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? अच्छा किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। अब सिंचन देखें, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मैं पूछूं कि क्या मैं इसके डायरेक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ कि सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में जो पूर्वी पवने हैं, ईस्टर्ली विंड्स हैं, वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ बहती हैं? बोलो ट्रू या फॉल्स, क्या ये सही है डायरेक्शन? तो झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। अगर ऐसा होगा ना तो डायरेक्शन ऐसा हो जा रहा है। क्या ऐसे बहता है? नहीं सर, गलत बात। ये आंसर मत करके आना भाई और रटना मत प्लीज। जब भी पूछे या तो अपने माइंड में ये चीज क्रिएट करो, रटोगे आंसर नहीं बनेगा आपसे, ठीक है? समझ में आया सर? ईस्टर्ली के लिए बताया, वेस्टर्ली के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछेगा, काहे नहीं पूछेगा। वेस्टर्ली का डायरेक्शन क्या होगा? तो इसके लिए भी तो वेस्टर्ली क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ फ्लो करता है क्या? नहीं सर, नॉर्दर्न सदर्न दोनों में करता है, तो दो को ग्राफ बनाना पड़ेगा हमको, बनाते हैं, क्या दिक्कत है। चलो दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सर
ये है नदन हेमिस्फेयर का, ठीक है, ये वाला नदन हेमिस्फेयर का है, ये वाला सदर्न हेमिस्फेयर का। तो अगर आपको याद आ रहा होगा नदन हेमिस्फेयर में, तो नदन हेमिस्फेयर में वेस्टर्ली कैसे बह रहा है सर, 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री की तरफ बह रहा है, 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ बह रहा है, और वो आपको ऐसे बहते हुए दिखेगा, ऐसे बहते हुए दिखेगा। आप अपने कॉपी से मैच कर सकते हैं सर, अगर आपसे इमेजिन नहीं हो पा रहा है, देखिए देख रहे हैं ऐसे बहेगा, बोलो भैया ऐसे बहेगा, देखो वेस्ट से निकलता हुआ दिख रहा है, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया साउथ वेस्ट, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट, मतलब नदन हेमिस्फेयर में, नदन हेमिस्फेयर में वेस्टर्ली विंड्स का डायरेक्शन क्या होगा, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया सभी को या नहीं आया, जल्दी जल्दी प्लीज, ज्यादा हार्ड नहीं है ये सब चीज, बहुत इजी चीज है। आपको सबसे पहले ये समझना होगा यार कि वेस्टर्ली विंड पड़ा किस किस कोऑर्डिनेट के बीच में था और वो बह कैसा रहा था। सर ऐसे बह रहा था, देखो ऐसे बह रहा था, ऐसे ऐसे बह रहा है, ऐसे ये स्टार्ट बहना यहां से करेगा, यहां से ऐसे नहीं बह रहा है, ऐसे नहीं बह रहा है भैया, क्यों, क्योंकि ये हाई प्रेशर एरिया, ये लो प्रेशर एरिया, हमेशा हाई टू लो हवा बहती है, पवन बहती है, ठीक है, पवने बहती है, ठीक है। तो वेस्टर्ली विंड्स जो है इसका नदन हेमिस्फेयर में, नॉर्थ हेमिस्फेयर में इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। तो साउथ हेमिस्फेयर में भी तो बहता है, कौन बोला नहीं बहता है, यह आपका नॉर्थ, यह है साउथ, यह है ईस्ट, यह है वेस्ट, ठीक है। अगर आपको याद हो तो वेस्टर्ली विंड्स कैसे बहती है, ऐसे बहती है, जी बहती है कि नहीं ऐसे, देखो सर दिखा दीजिए सर एक बार, थोड़ा अच्छा होगा, देखिए ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे बह रही है, बस इमेजिनेशन का खेल है। मतलब सर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा सर, नॉर्थ वेस्ट, ये क्या हो जाएगा सर, सर साउथ ईस्ट, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्ली विंड्स का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। किसी कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा, सच सच बताना यार, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा क्या मैं उल्टा लिख सकता हूं इसको क्या, कि साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहता है, कभी ये गलती मत कीजिएगा सर, ये पाप है। सर अरे यार, वेस्टर्ली को बताएं, ईस्टर्ली को बताएं, पोलर ईस्टर्ली गुस्सा नहीं हो जाएगा, ईस्टर्ली का भी पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा सर, पोलर ईस्टर्ली विंड, नॉर्थ हेमिस्फेयर के लिए ये मैं बना रहा हूँ, और ये मैं बना रहा हूँ साउथ हेमिस्फेयर, क्योंकि दोनों जगह है पोलर ईस्टर्ली भी, ठीक है। तो पोलर ईस्टर्ली कैसे बहती है, 90 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ठीक है, ऐसे बहेगा, ठीक है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, सर ऐसा ही बहता है क्या, देख लीजिए झूठ बोल रहा हूं मैं तो, देखिए ऐसे बहता है, बस इमेजिनेशन का खेल है। जिस दिन ये पिक्चर आपके माइंड में आ गया ना, जिस दिन इस पिक्चर को आप 50 बार बना लिए, जिस दिन ये पिक्चर आपके माइंड में आ गया, आपको मतलब एवरीथिंग विल बी योर, कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सर ऐसे बह रहा है, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, मतलब पोलर ईस्टर्ली का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, कौन सा हेमिस्फेयर में, कौन सा गोलार्ध में, सर नदन गोलार्ध में, मतलब नदन हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में। सर वेस्टली सॉरी सदर्न हेमिस्फेयर में भी है क्या पोलर ईस्टर्ली विंड, बिल्कुल है। तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट,
और ये है ईस्ट, ठीक है। सर नदन हेमिस्फीयर में कैसे बहता है? 90 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ की तरफ बहता है। कैसे बहेगा सर? सर वो लेफ्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करता है वहां पे, इसीलिए ऐसे बहता है। जिस दिन ये राइट लेफ्ट से ऊपर उठ गया ना जीवन में, अच्छा बहुत कोई होगा ना जिसको आज तक कंफ्यूज होता है कि इधर राइट है कि इधर लेफ्ट है, आज तक कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो प्रभु बहुत बड़े हो चुके हैं आप लोग, प्लीज उन सब चीजों से ऊपर उठे। सर ये है साउथ, साउथ ईस्ट, और ये है नॉर्थ वेस्ट। तो डायरेक्शन ऑफ पोलर ईस्टर्ली विंड्स इन सदर्न हेमिस्फीयर क्या होगा? साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। बोलो समझ में आया सभी को? समझ में आइल बा कि नहीं? नहीं आइल बा? अच्छा ऐसा है क्या कि सिर्फ मैं बना रहा था ये सब चीज, आप लोग कॉपी में मतलब बना ही नहीं रहे हैं, ऐसा है क्या? हाँ जी ऐसा है क्या कि सिर्फ मैं ही बना रहा हूँ अपने कॉपी में आप लोग? अरे ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज आप लोग देखेंगे, ये जो ईस्टर्ली विंड का डायरेक्शन है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, देखिए क्या है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। पोलर ईस्टर्ली का भी वही है। तो ईस्टर्ली विंड का सदर्न हेमिस्फीयर में है साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, वही आपको मिलेगा पोलर ईस्टर्ली विंड का भी। क्यों सर? तो दोनों दोनों का बाप जो है वो ईस्टर्ली विंड ही है, ये लोग दोनों भाई हैं, एक भाई रह गया इधर मतलब लोअर लैटिट्यूड्स में और एक भाई पहुंच गया हायर लैटिट्यूड्स में। दोनों का फैमिली सेम था, दोनों का अंदर सेम जीन है। समझ में आया सभी को यहां तक? सर क्या होता है सुनिएगा, ईस्टर्ली विंड्स वगैरह के कारण, ईस्टर्ली विंड्स के कारण क्या होता है? ईस्टर्ली विंड्स के कारण क्या हो रहा है? हम लोग हैं किस किस कोऑर्डिनेट के बीच में? 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। हाँ जी मुझे बताएं यहाँ पे कौन सा विंड बहता हुआ दिखेगा आपको, कौन सी पवने यहाँ पे बहती हुई दिखेंगी आपको? सर ईस्टर्ली विंड्स, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने, पूर्वी पवने, जो भी बोलिए आप लोग। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक जमीन है, एक कॉन्टिनेंट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन कॉन्टिनेंट, और सर कॉन्टिनेंट चारों ओर पानी से घिरा रहता है, चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। अच्छा सर इधर भी पानी होगा? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है, पूरा पानी ही पानी है, ठीक है। ये क्या है सर? ये जमीन का हिस्सा है, ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, ये लैंड है, और ये वाटर है, ब्लू वाला जो है वो वाटर है, पानी है। अच्छा सर यहाँ पे किस टाइप का विंड बह रहा है? ईस्टर्ली विंड, ऐसा बह रहा होगा, ईस्ट से बह रहा होगा, ईस्ट से ईस्टर्ली विंड आ रहा है, ईस्ट से ईस्टर्ली विंड आ रहा है। बोलो भैया अभी समझे हम लोग थोड़ा देर पहले कि ईस्टर्ली विंड कहाँ पे बह रहा है। अच्छा पर हमेशा याद रखिएगा, गर्म चीज ऊपर रहता है और ठंडा चीज नीचे रहता है। हाँ हम लोग को तो पता ही है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं, लेकिन आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे पूरा पानी है, इस जगह पे पूरा पानी है, पूरा पानी है सर, आप समझिए ना, पूरा ओशियन है इसके बगल में, ये वाला एक कॉन्टिनेंट है, इसके चारों तरफ पूरा ओशियन है, ठीक है, यहाँ पे भी पानी है। अच्छा सर ये काहे बोल रहे हैं आप कि गर्म चीज ऊपर रहेगा ठंडा चीज नीचे रहेगा? क्योंकि सर यहाँ पे जो गर्म पानी है, यहाँ पे जो गर्म पानी दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आपको ये पानी है, ये वाटर है सर, ऑब्वियस सी बात है वाटर है, इसमें दो टाइप का पानी मिलेगा, एक ठंडा पानी एक गर्म पानी। सर गर्म पानी कहाँ रहेगा, ऊपर की नीचे? सर गर्म पानी जो रहेगा ना वो हमेशा ऊपर रहेगा, क्यों? गर्म चीज हमेशा ऊपर रहता है, ये क्या रहेगा,
हॉट वाटर, हॉट वाटर। अब ये मैं पूछेगा कि ये गर्म कैसे हुआ? सर इतना हीट आ रहा है सन से, लंदफंद बहुत चीज है उसके लिए। और गर्म ठंडा पानी को ना हम ग्रीन से दिखा रहे हैं, ठंडा पानी कहाँ रहेगा सर? ठंडा पानी नीचे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सर इसके ऊपर कौन है? गर्म पानी है। अच्छा समझ में आया भैया सभी को? अब सुनिएगा सर, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में कौन सा पवने बहती है, कौन सी पवने बहती है? ईस्टर्ली विंड्स। मतलब ईस्टर्ली विंड्स ऐसे बहेगा, ईस्ट से बहेगा, बहना बहना चाहिए, बिल्कुल बहना चाहिए। अच्छा आपको क्या लगता है, जब हवाएं बहती हैं तो हवा साथ में पानी को भी तो सर बोलती है कि तुम भी बहो साथ में, बोलती है कि नहीं? हवाएं जब बहती हैं सर, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई तालाब है, हवा बह रही है ना, तो उस तालाब का जो पानी है ना, जिस तरफ हवा बह रही है पानी भी उसी तरफ बहने लगता है, पानी भी उसकी तरफ फ्लोट करने लगता है। देखा है कभी? कभी जीवन में पढ़ाई लिखाई के अलावा भी कुछ किया है? नहीं किया है, जाके देख लेना साहब कि जब पानियां बहती हैं, ठीक है, जब जब हवाएं बहती हैं, जब हवाएं बहती हैं जिस डायरेक्शन में हवा बहेगी, जिस डायरेक्शन में हवा बहेगी उसी डायरेक्शन में वाटर भी बहने लगता है उस तालाब का, ठीक है। तो सर हवाएं जब बहेंगी ओशियन के अगल बगल, तो ओशियन के वाटर को भी अपने तरफ लेके जाएंगी, बिल्कुल लेके जाएंगी। तो सर ओशियन का वाटर क्या कंप्लीटली वहां पे चला जाएगा? ओशियन का वाटर क्या कंप्लीटली वहां पे चला जाएगा? नहीं जाएगा सर। सर ओशियन का जो ऊपर वाला जो पानी है ना, आप लोग देखेंगे तालाब में पूरा एकदम एकदम अंदर से बटोर के पूरा पानी नहीं बहला देता है, नहीं, ऊपर ऊपर का जो पानी रहता है ना उसको बहाता है। ऊपर में सर कौन सा पानी है? सर हॉट वाटर। मतलब ये जितना भी हॉट वाटर है, ईस्टर्ली विंड उसको कहाँ लेके जाएगा? इस साइड, 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 पूरा जितना भी हॉट वाटर है ना यहीं पे इकट्ठा कर देगा। और सर ये कोल्ड वाटर क्या होगा? देखिए जब ये हॉट वाटर ऊपर से हट जाएगा तो कोल्ड वाटर ऊपर आने लगेगा। कोल्ड वाटर जैसे देख रहे हैं ना आप, जैसे देखिए ये है एक समुद्र, यहाँ पे हॉट वाटर था और यहाँ पे कोल्ड वाटर है। ये पानी को हम इधर ले जाए तो ये पानी इधर जा रहा है, तो नीचे से यहाँ पे जगह खाली हो रहा है ना, तो तुरंत उसको गैप कौन फिल करने की कोशिश करेगा? जो उसके नीचे है तुरंत, जो उसके तुरंत नीचे है कौन, कौन है तुरंत उसका नीचे? कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर होने लगेगा सर, यहाँ पे कोल्ड वाटर आने लगेगा। बाढ़ में जाए वो कॉन्सेप्ट वो हम लोग देखेंगे। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि ईस्टर्ली विंड साथ में चलेगा तो जो गर्म पानी है वो अपने साथ लेते हुए चलेगा। मतलब ये कॉन्टिनेंट है सर, और कॉन्टिनेंट का ये ईस्टर्न पार्ट है कि वेस्टर्न पार्ट है? जल्दी से, ये ईस्टर्न पार्ट है कि वेस्टर्न पार्ट है? ये वाला साइड ईस्टर्न पार्ट है कि वेस्टर्न पार्ट है? सर ईस्टर्न। नहीं समझ में आ रहा भैया किसी को? सर ईस्टर्न पार्ट है, देखो ना ईस्ट की तरफ है ईस्टर्न। मतलब जितना भी गर्म पानी है वो ईस्टर्ली विंड कहाँ इकट्ठा कर देगा? कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड में कि वेस्ट साइड में? सर ईस्ट साइड में। समझ में आया सभी को? ईस्ट साइड में। तो क्या हो जाएगा इससे? अच्छा कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड में गर्म पानी है, गर्म पानी भाप इजली बन पाएगा, गर्म पानी भाप इजली बनेगा सर, वहां पे भाप इजली बनेगा, भाप इजली बनेगा, तो जितना भी गर्म हवा है वो ऊपर उठेंगी और ऊपर उठ के क्या बनाएंगी? क्लाउड। क्लाउड, क्लाउड अगर बनेगा तो क्या होगा सर? यहाँ पे वर्षा होगा, यहाँ पे वर्षा होगा, यहाँ पे वर्षा होगा। मतलब देख रहे हैं ईस्टर्ली विंड्स के कारण जो भी कॉन्टिनेंट 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में है उनके ईस्टर्न मार्जिन में कौन सा वाटर आ रहा है? सर हॉट वाटर। और हॉट वाटर के कारण वहां पे क्या हो रहा है? सर रेनफॉल हो रहा है। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? हाँ जी समझ में आया। सर ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं आप? मतलब यहाँ पे ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है इसके ईस्टर्न पार्ट पे कभी भी पानी का कमी होगा? नहीं होगा। कभी भी पानी का कमी होगा? नहीं होगा। वर्षा का कमी कभी नहीं होगा। सर यहाँ पे तो आपको दिख गया, ठीक है चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। सर यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट, और हम लोग 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में ही है,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, प्लीज सुनिएगा सर। यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है। चलो आप लोग मुझे बताएंगे, ये जो कॉन्टिनेंट बी है, इस कॉन्टिनेंट बी के ईस्टर्न मार्जिन में कौन सा वाटर होगा, हॉट वाटर की कोल्ड वाटर? सर हॉट वाटर। समझ में आया क्यों? क्योंकि सर ये जो कॉन्टिनेंट है किस किस कोऑर्डिनेट के बीच में है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा विंड चल रहा है, ईस्टर्ली विंड चल रहा है, और ईस्टर्ली विंड के कारण जितना भी हॉट वाटर है वो कॉन्टिनेंट के किस मार्जिन पे आ जाता है? सर ईस्टर्न मार्जिन पे आ जाता है, ठीक है। ईस्टर्न मार्जिन पे आ जाएगा मतलब यहाँ पे जितना भी देश उस रहेगा, क्या इन लोगों को कभी पानी का कमी होगा? नहीं होगा। क्यों? हॉट वाटर है इसके बगल में, क्लाउड्स जल्दी बनेगा, क्लाउड जल्दी बनेगा, वर्षा जल्दी होगा, यहाँ पे कभी पानी का कमी नहीं होगा। मतलब एक चीज देख रहे हैं आप सर, यहाँ का जितना भी पानी था, यहाँ का जितना भी पानी था वो कहाँ आ गया, गर्म पानी यहाँ पे। सर यहाँ पे गर्म पानी मिलेगा, ये जो कॉन्टिनेंट ए है इसका वेस्ट मार्जिन में क्या आपको गर्म पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? सर यहाँ पे जो ठंडा पानी था ना, जब ये गर्म पानी यहाँ से हट गया तो ठंडा पानी यहाँ पे ऊपर आ गया, तो यहाँ पे क्या इकट्ठा हो गया, ठंडा पानी। अब ठंडा पानी है इस वाले कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे। अब बताइए ठंडा पानी है, क्या एयर उतना जल्दी अपलिफ्ट हो पाएगा यहाँ पे? क्या वहां पे एयर करेंट्स उतना ज्यादा अपलिफ्ट हो पाएगा? ठंडा है सर, ठंडा है, गर्म नहीं है, नहीं हो पाएगा। क्या क्लाउड फॉर्मेशन होगा? सर नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। अब सर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा सर, यहाँ पे आपको वर्षा नहीं दिखेगी, और वर्षा नहीं दिखेगी तो वर्षा से हम शादी नहीं कर पाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं, वर्षा नहीं दिखेगी इसीलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, डेजर्ट, मरुस्थल, मरुस्थल। सर दिस इज वन फैक्ट, ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है कि ईस्टर्ली विंड्स के कारण जो वेस्टर्न मार्जिन होता है ना कॉन्टिनेंट्स का, वहां पे डेजर्ट फॉर्मेशन होता है। बोलिए भाई साहब, समझ में आया आप लोग को या नहीं आया? आप देखेंगे जीवन में, कभी देखिएगा भाई साहब, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में जितना भी जगह है वहां पे आपको बड़े बड़े जितने भी रेगिस्तान मिलेंगे ना, वो आपको वेस्टर्न मार्जिन पे का मिलेगा, कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न मार्जिन पे मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल This is what? सहारा रेगिस्तान। सर ईस्टर्न मार्जिन पे दिख रहा है क्या आपको, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे दिख रहा है क्या? चलो यहाँ पे देखो, हाँ जी सर, ये है, देखिए ये है आपका 30 डिग्री नॉर्थ, मैं जूम कर देता हूँ, इतना भी नहीं करना था सर, हाँ ये है आपका 30 डिग्री नॉर्थ और ये है आपका 30 डिग्री साउथ, इसके बीच में कौन से पवने बहेंगी जल्दी से भाई साहब, कौन से पवने बहेंगी, कौन से पवने बहेंगी सर? ईस्टर्ली विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स बहेंगे, ठीक है, ईस्टर्ली विंड्स। मतलब ईस्टर्ली विंड्स बहने के कारण क्या होगा, अरे भाई साहब, ईस्टर्ली विंड्स बहने का कारण क्या होगा सर? यहाँ पे इंडियन ओशन का जितना भी हॉट पानी था वो कहाँ इकट्ठा होगा, अफ्रीका के ईस्टर्न मार्जिन पे कि वेस्टर्न मार्जिन पे? सर ईस्टर्न मार्जिन पे, ईस्टर्न मार्जिन पे। सर यहाँ पे आराम से वर्षा होगा और यहाँ पे आपको कोई डेजर्ट नहीं देखने को मिलेगा, कोई डेजर्ट नहीं देखने को मिलेगा। परंतु देखिए यहाँ पे देखिएगा सर, ये भी तो उसी के, ये जो साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका जो दिख रहा है ये भी तो इसी कोऑर्डिनेट के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सर यहाँ पे जो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इसका गर्म पानी आपको कहाँ दिखेगा, साउथ अमेरिका का ईस्टर्न मार्जिन पे दिखेगा कि अफ्रीका के वेस्टर्न मार्जिन पे दिखेगा? सर यहाँ पे दिखेगा। क्यों क्यों दिखेगा यहाँ पे सर?
जो ईस्टर्ली विंड्स है वो गर्म पानी को कहाँ इकट्ठा कर देगी, यहाँ इकट्ठा कर देगी। अब सर गर्म पानी को यहाँ इकट्ठा कर दे रही है, गर्म पानी को यहाँ यहाँ इकट्ठा, मतलब गर्म पानी कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, पूरा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, मतलब सर यहाँ पे वर्षा होगी, यहाँ पे डेजर्ट वेजर्ट नहीं बनेगा। लेकिन सर यहाँ से पूरा गर्म पानी को यहाँ भेज दिया तो नीचे वाला ठंडा पानी कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, नीचे वाला ठंडा पानी कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, हेज्जा, बोलिए, हेज्जा इकट्ठा हो जाएगा, इस जगह इकट्ठा हो जाएगा। क्या यहाँ पे बारिश होगा? सर बारिश नहीं होगा। देखिए ना, सच में नहीं देख रहे हैं, बारिश नहीं हो रहा है, मरुस्थल जैसा कंडीशन हो गया। सर कॉन्टिनेंट के किस किस मार्जिन पे हो रहा है, ईस्टर्न मार्जिन पे कि वेस्टर्न मार्जिन पे? सर वेस्टर्न मार्जिन पे। और किस कोऑर्डिनेट के बीच में? इस और इस कोऑर्डिनेट के बीच में। एग्जाम में आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, और सर ऐसा क्यों हो रहा है? सुनिएगा, ईस्टर्ली विंड्स किधर से चल रहा है, ऐसे चल रहा है। अच्छा, ईस्टर्ली विंड ऐसे चलता है, अपने साथ बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी वगैरह लेके चल रहा है, उमस लेके चल रहा है, बहुत ज्यादा पानी का कंटेंट लेके चल रहा है। क्यों सर? ये जो इंडियन ओशंस के ऊपर से जब बहेगा, पवने जब बहेंगी तो उसमें बहुत ज्यादा सर ह्यूमिडिटी वगैरह रहेगा, नमी रहेगा, ठीक है? तो उस नमी के कारण क्या होगा सर, ईस्टर्न मार्जिन पे तो आराम से वर्षा हो जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, जिस तरफ से पवने अंदर घुसती है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑनशोर। ऑनशोर आप देखिए, पवने जो है वो अफ्रीका में किस तरफ से घुसेगी, इधर से घुसेंगी, इधर से घुसेंगी सर, इधर से घुसेगी, ईस्ट साइड से। मतलब इसका ऑनशोर रीजन कौन सा हो गया, ये वाला आपका ऑनशोर एरिया हो गया, ऑनशोर। और हमेशा ऑनशोर एरिया में सर नमी ज्यादा है, नमी ज्यादा है, नमी ज्यादा होने के कारण वर्षा भी ज्यादा होगी वहां पे। वहां पे एयर का जो क्वांटिटी वो लेके कैरी कर रहा है वो ज्यादा मात्रा में कर रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे बारिश इजली होगा। लेकिन सर जब तक हवा यहाँ तक पहुंचेगा, जब तक हवा यहाँ तक पहुंचेगा, वही ईस्टर्ली विंड यहाँ तक पहुंचेगा, उसके पास क्या उतना नमी रहेगा? नहीं रहेगा सर। क्यों? यहीं पे तो सब खर्चा हो गया सर, यहाँ पे नमी नहीं है, बारिश होगा क्या? नहीं होगा। और जब भी पवने जिस रास्ते से एग्जिट करती है ना, उस साइड को क्या बोलते हैं, ऑफशोर। जीवन में सुनेंगे आप लोग, ऑनशोर साइड, ऑनशोर एंड ऑफशोर। ऑफशोर, ऑनशोर का मतलब क्या होता है, जिस साइड से पवने अंदर घुस रही हैं, किस साइड से पवने यहाँ पे घुस रही है, ईस्टर्न साइड से, और एग्जिट कहाँ से कर रही है, वेस्टर्न साइड से। सर जब एग्जिट कर रही है उस साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफशोर। ऑफशोर, लेकिन ऑफशोर साइड में क्या उतना नमी रहेगा उसका? नहीं रहेगा सर, तो वर्षा नहीं होगा। इसीलिए ऑफशोर साइड में आपको क्या दिख रहा है, डेजर्ट दिख रहा है। एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा सर, ईस्टर्ली विंड के कारण, ईस्टर्ली विंड के कारण कॉन्टिनेंट के किस मार्जिन पे डेजर्ट बनता है? जल्दी से, कॉन्टिनेंट के किस मार्जिन पे डेजर्ट बनता है, कॉन्टिनेंट के किस मार्जिन पे डेजर्ट बनता है ईस्टर्ली विंड्स के कारण? और अगर पूछा जाए कि कॉन्टिनेंट के किस मार्जिन पे हॉट वाटर इकट्ठा होता है ड्यू टू ईस्टर्ली विंड्स, हॉट वाटर ईस्टर्न मार्जिन पे। अच्छा, अगर मैं पूछूं ओशियन के, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ओशियन के किस मार्जिन पे, ओशियन के किस मार्जिन पे हॉट वाटर इकट्ठा होता है ड्यू टू ईस्टर्ली विंड्स, ओशियन के किस मार्जिन पे? आंसर इज वेस्ट ओनली, ठीक है सर। ये है इंडियन ओशियन, हमने देखा ईस्टर्ली विंड्स के कारण गर्म पानी यहां इकट्ठा हो जा रहा है। इस कॉन्टिनेंट के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो इस कॉन्टिनेंट के रिस्पेक्ट में ये कौन सा मार्जिन है, ईस्टर्न मार्जिन, लेकिन इस ओशियन के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या है, वेस्टर्न मार्जिन। एंड आपको पता है ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिमिलरली आप मतलब कहीं पे भी कर लीजिए, आप कहीं पे भी इसको लागू कर लीजिए, हर जगह लागू कर लीजिए,
आपको हर जगह ये मिलेगा, ठीक है, हर जगह ये चीज होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऑफशोर साइड में डेजर्ट बनता है कि नहीं बनता है, ऑफशोर विंड्स के कारण डेजर्ट बनता है कि नहीं बनता है, बनता है सर। मतलब डेजर्ट बनने का हम दो कंडीशन बता दिया आपको। अच्छा, कभी मैंने बताया था कि 90 डिग्री नॉर्थ में हाई प्रेशर बन रहा है, कभी बताया था पैरल मॉडल में बन रहा है ना। देखिए ये सहारा डेजर्ट, कोऑर्डिनेट देखिए कहाँ से पास कर रहा है, 30 डिग्री के पास दिख रहा है आपको। अच्छा मैं 90 डिग्री बोल दिया क्या, सॉरी 30 डिग्री नॉर्थ में मैंने बोला था सर फेरल मॉडल में कि हाई प्रेशर का जोन रहेगा, हाई प्रेशर का जोन रहेगा वहां पे 30 डिग्री में, इसलिए सर वहां पे वर्षा नहीं होगा, और वर्षा नहीं होगा इसीलिए वहां पे डेजर्ट बनेगा, मरुस्थल बनेगा। देखिए रियल लाइफ में ये 30 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ। सर देखिए ना सहारा डेजर्ट कहाँ पे बन रहा है, 30 डिग्री नॉर्थ में बन रहा है। क्यों? ये हाई प्रेशर का एरिया है यहाँ पे, यहाँ पे सर हाई प्रेशर के कारण विंड जो है ये सिंक करेगा, यहाँ पे विंड सिंक करेगा, हवाएं यहाँ पे एयर करंट सिंक करेगा, दैट्स वाई यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, और क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा दैट्स वाई यहाँ पे मरुस्थल दिखेगा आपको। बोलो ना भाई साहब, प्रैक्टिकली दिख रहा है आपको, प्रैक्टिकली दिख रहा है आपको। पैरल मॉडल इसीलिए पास हुआ सर क्योंकि वो प्रैक्टिकल बताया, मतलब मैं आपको आज बता रहा हूं कि डेजर्ट बन कैसे रहा है, कैसे बन रहा है डेजर्ट, कैसे बन रहा है, ठीक है सर। राजस्थान भी अगर आप देखें, आप कॉन्सेप्ट लगाओ ना कि ईस्टर्ली, मतलब ओवरऑल उतना देखने पे नहीं होना चाहिए, बट अगर हम लोग थोड़ा देखें इसके रिस्पेक्ट में तो देखिए ना, सब गर्म पानी इधर आएगा, यहाँ पे ठंडा पानी नहीं रहेगा, यहाँ पे ठंडा पानी रहेगा तो बारिश वगैरह नहीं होगा, ऊपर से सर और भी बहुत सारी रीजन है वहां पे, बट इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो सर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये फेरल मॉडल और विंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, इसमें और भी चर्चाएं करनी है जो आज कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो